जी, जब देश का जवान और किसान सड़क पे आ जाए तो आप समझ जाइए होशियार आप बहुत ज़्यादा हैं कि सम्मानित जो कुर्सियां हैं, देश की जो कुर्सियां हैं, जो हमारे देश की मेन मेन कुर्सियां हैं, जो राजा की कुर्सियां, उन पे कोई नकारा आदमी बैठा हुआ। अब तो पेट्रोल के दाम जो है 5 रुपये घट गए, 5-5 रुपये मत गाओ, ज़्यादा देर होगी मैं जहाँ आए भी सब 5-5 रुपये गा रहे हैं। एक महीने से 19 रुपये बढ़े, फिर 5 रुपये घटाएं, ये बोलो पूरा सेंटेंस आगे बताओ। मिनिस्ट्री मीडिया पर चल रहा है कि बहुत बड़ी, मिनिस्ट्री मीडिया को छोड़ दो, यहाँ मिनिस्ट्री मीडिया दिखी आंदोलन में? दिखी नहीं दिखी, क्योंकि वो उन्होंने खरीदी हुई है, बेची हुई है, सबको पता, ठीक है। वो मिनिस्ट्री मीडिया का नाम मत लो, शुक्र आजादी के जमाने में मिनिस्ट्री मीडिया ना थी, ना तो ये दलाल बिक करके अंग्रेजों के साथ में देश आजाद नहीं होने देते। ये SSC छात्र, जितने भी छात्र है, ये जितने भी स्टूडेंट कैंडिडेट है, ये इन लोगों को कब तक बैठना पड़ेगा? जब तक वो वर्दी नहीं लेंगे वो जाएंगे नहीं यहाँ से, वर्दी नहीं मिलेगी ना जाएंगे। किसान भी तो बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं भैया। अब दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री हैं, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इनका 7वां दिन है, 9 महीने हो गए उन्हें यहाँ पे, 7वां दिन है। आज 15 दिन की परमिशन मिली है इन्हें। अब भैया परमिशन से आंदोलन होते हैं क्या? नहीं होते ना। अब परमिशन से आंदोलन होते हैं इस देश में, लोकतांत्रिक देश है, अपनी मर्जी से आप आवाज उठा सकते हो। तो परमिशन खत्म हो जाने पर इनको यहाँ पे अंदर इन भी करने नहीं दिया जाएगा? आप भी हैं और हम भी हैं, लोकतांत्रिक देश है, पहले परमिशन नहीं होती थी आंदोलन के लिए। पहले की सरकारें समझदार थी, होशियार थी, सम्मान करती थी। ये लोग प्रताड़ित करते हैं, तानाशाह दिखा रहे हैं, ये बात है, सभी को पता है। परमिशन नहीं होगी और बैठ जाएंगे कहीं, नहीं होगी मर जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे, हम भी आ जाएंगे, हमें भी देख ले, हम भी मर जाएंगे। आपका फुल सपोर्ट रहेगा इन्हें? हाँ, मेरा पूरा है, पहले से ही है। आज ऐसा नहीं कि मैं पहले दिन यहाँ पे आई हुई, ये बात अलग है कि मैं यहाँ पहले दिन आई हूँ, लेकिन मैं जब बॉर्डर पे होती थी किसान आंदोलन को सपोर्ट करती थी, 5-5 महीने पुरानी वीडियो में मैंने उनको सपोर्ट किया और मुझे करना भी चाहिए, मैंने उनकी आवाज़ें उठाई हैं। जब लोग वहाँ देखने लगे कि SSC का भी आंदोलन चल रहा, तो और लोगों ने भी सपोर्ट करा। पूनम जी, किसानों को लेकर जिस तरह आप पहले बहुत ज़्यादा अपडेट हुआ, अभी भी करती हूँ? नहीं, अभी मैं कल पंचायत करके आई। नहीं, आप ये गलत बोल रहे हैं, अभी भी मैं पंचायत करके आई हूँ हरदोई में, किसानों की पंचायत अभी भी करूंगी, रजपुरे में जाकर के 11 तारीख को किसानों की पंचायत, और अभी भी एक एक वीडियो में मैं किसानों की बातें उठाती हूँ, उठानी चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो किसान आंदोलन है वो यूपी चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा बनेगा? इतना बड़ा मुद्दा बनेगा कि क्योंकि यूपी में बहुत ज़्यादा किसान है, सभी को पता है, नरसंहार यूपी में हुआ, और पूरे देश में बनेगा क्योंकि पूरे देश की जनता दुखी है। ये आप क्या कह रही है? बीजेपी वालों ने, बीजेपी वालों की छोड़ दो, वे क्या कह रहे, वे तो नु कहते 2 करोड़ रोजगार देंगे, उनकी छोड़ दो, उनकी बात मत गाया करो, उनके नाम ही मत ले करो, पनौती है देश में बहुत सारे लोग ऐसे। अगर आ गई सरकार बीजेपी की तो ये दुर्भाग्य होगा हमारे देश का, लेकिन लड़ते रहेंगे हम आखिरी वक्त तक। कहाँ आपकी बात सुनी जाएगी? सुनी बैसक मत जाओ, अभी कौन सी सुनी जा रही है, अभी इनकी सरकार लड़ रहे हैं ना, लड़ देंगे ना, मर तक क्या नहीं करता भाई, लड़ेंगे लड़ेंगे जब तक सांस है। गृह मंत्री अमित शाह का भी वहाँ दौरा हुआ था यूपी में, उन्होंने कहा था कि दूर दूर तक एक है। बेटी बंगाल में चुनाव लड़ रही थी, ममता बनर्जी पूरा मंत्रिमंडल वहीं पड़ा, ठीक। अब एक बेटी यूपी में बड़ी भूकंप की तरह, आंधी की तरह किसानों को सपोर्ट कर रही है, प्रियंका गांधी जी, और हम जैसे लोग उनको सपोर्ट करते हैं, तो इन्हें लगे रहने दो, यहाँ इनका काम ही क्या, अब क्या बंगाल में खाया है, अब क्या यहाँ खा लेंगे, ये इनकी रोटी जो ऐसी चल रही। पूनम जी, 2019 में भी यही कहा जाता था, लेकिन हुआ उल्टा। भैया मशीनों पर भी ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे बंगाल में आपने देखी नहीं थी मशीन गाड़ियों में घूम रही, तो नजर रखनी बड़ी तेज है, नहीं तो क्या होगा, मशीनें गाड़ी में घूमेंगी, आप बेहतर जानते हो मुझसे क्या होगा। तो बंगाल में TMC अगर आती है, जीतती है, तो इसका मतलब मशीन सही है, अगर बीजेपी जीतती है मशीन गलत बोल रहे हैं आप, क्योंकि बंगाल में जो है मशीनें पकड़ी गई थी, अगर वो नहीं पकड़ी जाती तो TMC को हरा दिए जाते, क्योंकि ये बेईमानी कर देते, चिटिंग कर देते, वो पकड़ी गई। अभी भी जब आपको पता वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक उसमें करी जा सकती है छेड़छाड़, हो सकता है हैक वगैरह, काय को नहीं हटाते। अब मान लीजिए ना निगाह पड़ा उत्तर प्रदेश में हम जैसे लोगों की, आप जैसे कि फिर क्या कर लोगे, और एक गाड़ी में वो TMC वो बंगाल में एक मशीन को MLA की गाड़ी मिली थी, बहुत सारी चीज़ें हैं सोचने वाली। अच्छा, एक बड़ा दावा किया था गृह मंत्री अमित शाह ने कि यूपी में जो है दूरबीन लगाने पर भी अब जो है गुंडे दिखते लगे। अच्छा, इनके गुंडे दिखने लगे ना ज़्यादा, आप समझो बात को, इनके गुंडे दिखने लगे जो ट्रक के पीछे घसीट रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ठीक है, इस जबरदस्ती की बात कर रहे हैं, इनके गुंडे दिख रहे हैं, उनका ये मतलब था कहने का। एक सवाल के आपको पहले मुबारकबाद के कांग्रेस आपने ज्वाइन कर लिया, क्या इलेक्शन लड़ने की तैयारी है? पूरे यूपी में इलेक्शन लड़ाने की तैयारी है, 403 विधानसभा, ठीक है, इलेक्शन लड़ने में कुछ नहीं धरा, हम तो चाहते देश में प्यार हो, लेकिन मजबूरी हो रही, लड़ाना पड़ेगा इलेक्शन। टिकट देती है आपको तो? अरे टिकट विकट के चक्कर में कहां पड़ रहा है, अपनी कुर्सी का त्याग करना सीखो, अपना त्याग करना सीखो, अपना त्याग करोगे तो प्रदेश का हित होगा। अगर मैं एक सीट से चुनाव लड़ूंगी तो एक सीट पर प्रभाव डालूंगी, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी तो 403 विधानसभा पर डालूंगी। तो त्याग करना हर किसी के बस की नहीं है, हम त्याग करना जानते हैं, हम खुद इस बात को पार्टी में बड़े बड़े नेता जो है, मैं खुद बोल चुकी इस बात को, मैंने कहा दीदी मैं चाहती हूँ पूरे प्रदेश में हित, पूरे प्रदेश में कुछ, तो इसीलिए अपनी सीट वहां दुनिया लाइन
में टिकट 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 करती है, लेकिन नहीं, देश में पूरा प्रदेश दुखी, देश दुखी। तो देश में पूरे प्रभाव डालो, प्रदेश में डालो, चुनावी माहौल है, जनता को जिताओ। नहीं, प्रियंका गांधी लगातार रैलियां कर रही हैं, तो क्या लगता है कि जनाधार बढ़ रहा है यूपी में? बढ़ रहा है, निकाल के देखो उनके रिकॉर्ड, ये टीवी वाले ना दिखा रहे तुम देखो।